radius of the base of a right circular cylinder is half and its height is doubled, what is the ratio of the volume of the new cylinder to that of the original? तो भाई न्यू सिलेंडर अपना ये है और ओरिजिनल सिलेंडर ये है। एक बार चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उस पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए तो ओरिजिनल सिलेंडर या जो रेडियस है उसे आधा कर दिया गया है, तो ओरिजिनल का अगर रेडियस 2r है तो आधा हो जाएगा r। एंड इट्स हाइट इज डबल, तो ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट अगर h है तो हाइट को डबल करके 2h कर दिया गया है। यही बातें हो रही हैं और हमें पूछा गया है न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल है। यहाँ पर हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसी को यूज करेंगे। तो पाई और न्यू सिलेंडर क्या है, ये वाला आर स्क्वायर टू एच। ओरिजिनल सिलेंडर क्या है, पाई टू आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। तो एच एच कट गया, पाई पाई कट गया, ऊपर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू, नीचे फोर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, हो गया वन बाई टू। बस बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है, यही रेशियो है जिसको वन इज टू टू हम लोग लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू आई आई टी एंस।